जय जय जगन्नाथ। आज की यात्रा हमारी चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धाम की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। समय को व्यर्थ ना करते हुए अपना यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। जय जय जगन्नाथ। श्री शंकराचार्य द्वारा भारत के चारों दिशा में चार धामों की स्थापना की गई थी, जिसमें से उत्तर दिशा में विराजमान है बद्री विशाल, जो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वहीं दक्षिण दिशा में रामेश्वरम स्थित है, और वहीं पश्चिमी दिशा में द्वारिका, और पूर्वी दिशा में हमारा जगन्नाथपुरी, जिसे कलयुग का धाम भी कहा जाता है। हाँ, यात्रा शुरू करने से पहले गाइस, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। अपना लगेज जो होता है, दो तरह के लगेज आपके पास होंगे अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं। एक तो आप अपने कंधे पे रखेंगे, जो आप हैंडबैग की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको लेंगे। दूसरा जो आपका लगेज होगा, बड़ा होगा, जिसमें आपके कपड़े होंगे, जिसमें आपका खाने पीने का सामान होगा, आप उसमें रख सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्रश, टूथपेस्ट, सॉप, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, मास्क एंड नेसेसरी नीड, सबसे ज़्यादा रात के पहनने वाले कपड़े नीड होता है, अपने इनर गारमेंट, सारी चीज़ उसमें फुलफिल कर रही है। एक मैं चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैं अपना लगेज ले चुका हूँ, इस लगेज में कोई भी जो भी बोर्डिंग सामान होना है, जो भी आपका फ्लाइट में बोर्ड किया जाएगा, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें। जैसे कि लैपटॉप हो गया, मतलब जिसमें भी, जिस वस्तु में भी, जिस भी गुड्स में आपका बैटरी सिस्टम हो या बैटरी हो, उसको सामान को आप अपने बेसिक वाले लगेज में जो आपने सारा सामान रखा है उसमें कभी ना रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप जो हैंड बैग रखेंगे, जो आपके पास रखेंगे, उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात क्या होती है कि फ्लाइट में जब आप बोर्डिंग करते हैं, सामान को भेजते हैं एयरपोर्ट के द्वारा, तो आपके सामान में एक चिट लगी रहनी जरूरी होता है, जैसे कि मैंने लगाई है। उसमें आप अपना नाम, एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी लगेज मिसिंग हो जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो अपने लगेज का इंश्योरेंस भी कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर खो जाता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगेज एक जैसे भी बहुत सारे हो जाते हैं, कभी कभी मिस भी होते हैं। मेरे फ्रेंड्स का भी अभी भी मिस हुआ था, हम जब मैंने कई बार ऐसा देखा है, तो लगेज मिस ना हो इस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो लगेज है, अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान, आप अपने हैंड बैग में रखिएगा, वो जो आपके फ्लाइट में भी साथ रहेगा, जो आपका लगेज है उसमें मत रखिएगा। दूसरी बात कि आपको, जैसे कि मैंने इंडिगो फ्लाइट को बुक किया है, तो इंडिगो फ्लाइट थोड़ा सही रेट में फर्स्ट टाइम मिलता है, तो जितना आप पहले करेंगे, ठीक है, जितना आप फ्लाइट बुक पहले करेंगे उतना बेटर रहेगा। जैसे कि मेरा फ्लाइट देहरादून से भुवनेश्वर के लिए है, क्योंकि उड़ीसा जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पर सबसे पास में यही पड़ता है, जो 60 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी टेम्पल से। तो आप अगर एक महीना पहले अपना टिकट बुक कराएंगे तो अप्रोक्सी वो 4200 के आसपास पड़ेगा, जो सबसे सही रेट पड़ता है। अगर आप उसको डिले करेंगे, एक हफ्ता पहले टिकट बनाएंगे, तो वो 6000 या 6000 से भी ज़्यादा आपको प्राइस कर सकता है। तो मेरे सजेशन यही है कि कोई भी फ्लाइट आप बुक करें, जितना जल्दी बुक करेंगे उतना बेटर करेंगे। दूसरा, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने मेन बैग में नहीं रखना है, वो आपको हैंड बैग में रखना है। जितना पहले बुक करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप रुड़की से देहरादून एयरपोर्ट पर जाने के लिए रुड़की से हरिद्वार तक बस से जा सकते हैं। उसके बाद आप देहरादून वाली बस को पकड़िएगा, और वो आपको नेपाली फार्म उतार देगी। नेपाली फार्म के बाद आपको जोली ग्रांट एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट के लिए टेम्पो मिल जाएंगे, उसमें आप बैठ के आराम से जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप 2 घंटे पहले का से टारगेट बना के चलिए, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा। पर्सनल गाड़ी तो 1.5 घंटा इनफ रहेगा, और एयरपोर्ट आप लगभग 1.5 घंटा पहले जरूर पहुंच जाएं, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाय गाइस, फाइनली जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंच गए हैं। यहाँ से हम भुवनेश्वर निकलेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। थैंक यू। हम अब टिकट ले रहे हैं। गाइस, आप लोगों को देहरादून से भुवनेश्वर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगा। पहले आपका फ्लाइट दिल्ली जाएगा, और उसके बाद फिर भुवनेश्वर जाएगा, तो बीच में तो 3 घंटे का रेस्ट ले सकता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, आप बोर भी हो सकते हैं।
और अब हम दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद हम भुवनेश्वर का ट्रैवल अपना 2 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली पूरा करेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आपकी मिडल सीट है तो आपको पीपीबी ग्राउंड आपको पहनना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब लगता है। मेरा तो साइड में था तो मैंने तो नहीं पहना था, तो मिड वाले को कोविड की वजह से वो पहनना पड़ता है। अब आप इंजॉय कीजिए विंडो सीट से नाइट में कैसा लगता है, और ये बहुत सुंदर लगता है। तो उड़ीसा टेंपल पहुंचने से पहले आप नाइट विजन का मज़े लीजिए। एंजॉय। जय जगन्नाथ। हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हमने अपना लगेज ले लिया है और इसके बाद हम यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे, और आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे या ओला कैब लेंगे तो वो ज़्यादा आपको सही पड़ेगा, वरना टैक्सी रेट यहाँ पे काफ़ी हाई लेते हैं। मेरे फ्रेंड ने रूम पे पहुँचते ही पीपी किट में एक फनी वीडियो भी कैप्चर कर दिया था, वो भी मैं डाल रहा हूँ। और हम मॉर्निंग से पूरी जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू करेंगे। हम दोनों ने बाइक लेने का प्लान किया था और हमने यहाँ से बाइक रेंट की है। ये मेरे दीप्ति दोस्त हैं जिनकी शादी भी है अभी, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास आपको बाइक मिल जाएगी। और पूरी के बस स्टैंड बाइक से हम आगे का ट्रैवल चालू करेंगे। बाइक मैंने रेंट पे लिया है और यहाँ से अप्रॉक्सी 10 किलोमीटर है यहाँ से, और ये रहा जगन्नाथपुरी का बस स्टैंड। ये आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा बस स्टैंड। तो गाइस स्टे ट्यून, आगे चलते हैं हम, अब नारियल पानी पियेंगे, उसके बाद हम जगन्नाथपुरी पहुंच जाएंगे। ओके, हम लोग जगन्नाथपुरी पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर बाइक के स्टैंड की भी, आप सब लोग यहाँ पर बाइक नॉर्मली ऐसे लगाते हैं, फ्री में ही आप बाइक कहीं पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपको मार्केट देख रहे हैं वहाँ का। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मंदिर में अंदर जाने से पहले हमें हेलमेट या हमारे बैग है, जूते हैं, जो भी सामान है हमें यहाँ पे डिपॉजिट करना है। यहीं पर 2 काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे शूज़ वगैरह रख सकते हैं, बैग और ये सब आपको जमा करना पड़ेगा, वो भी फ्री में। यहाँ पे आपको अपने बैग, जूते, चप्पल या जो भी हैं वो रखने पड़ेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स यानी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो मोबाइल भी आपको जमा में नहीं जमा करना है, इसलिए मैं अंदर की वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। चलिए अब हम जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में जो जानकारी है उसको हम साझा करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है आपके पूर्वी भारत में यानी कि उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित बंगाल की खाड़ी के पास बसा हुआ एक स्थान है। ये महान तीर्थ स्थलों में से भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना प्राचीन कलिंग के राजा के द्वारा की गई थी, ये बताया जाता है। इसको अन्य नाम जो इसके बोले जाते हैं, जैसे कि संख क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। सबसे खास नाम इसको कहा जाता है कलयुग का धाम भी इसको कहा जाता है। ये कृष्ण भगवान और सुभद्रा और बलराम भगवान के तीनों के स्थान के रूप में पूजनीय एक 4 धाम में से एक पवित्र स्थल है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इसको गोवर्धन पीठ के नाम से भी इसको कहा जाता है। प्राचीन कथा यह है कि पुरी में किसी ने एकादशीय व्रत के दिन श्री बल्लभाचार्य जो महाप्रभु थे उनकी निष्ठा की परीक्षा ली थी और कहा, तो महाप्रभुचार्य ने हाथ में ही प्रसाद लिया और द्वादशी के शुरू होने तक हाथ में ही प्रसाद रख के अपनी परीक्षा को पूर्ण किया था। इसी से महाप्रसाद का कॉन्सेप्ट आया और एकादशी में ही समुचित इसको माना जाता है। सिखों के जो प्रथम गुरु यहाँ थे गुरु नानक, उन्होंने का भी यहाँ पर आपको मठ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तुलसी मीराबाई, तुलसी चैतन्य प्रभु ने भी यहाँ पर प्रार्थना की थी, यहाँ पर पूजा स्थल किया था। यहाँ की जगन्नाथ यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे छुआछूत निवारण के लिए भी इसकी भावना ली जाती है, विशेष महत्व है।
तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसी को इसी कॉन्सेप्ट पे ही बनाया गया था। और जो भी यहाँ मानव आता है उसको मोक्ष की भाग्य उदय हो जाता है, क्योंकि कलयुग के धाम इसी को बोला जाता है, भगवान कृष्ण को ये समर्पित है। यानी ये भाग्योदय, जिसका भाग्य उदय नहीं हो रहा है उसको यहाँ पर अपने मस्तक आशीष पूजा करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर आना जरूर चाहिए। यह मंदिर 12वीं सदी में बनाया गया था, जो कलिंग के राजा चोलगम थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। सबसे आकर्षण का जो केंद्र है, इसका मुख्य भाग जो है वो 65 मीटर लंबा ऊंचा जो जगन्नाथ मंदिर है वो एक अपने आप में ही अनूठा है। और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के भी यहाँ पर महादारू लकड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, किसी मेटल की मूर्ति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। और दूसरी बात यह है, जो जगन्नाथपुरी की मूर्ति है वो अधूरी है, जबकि सुभद्रा और बलराम की मूर्ति पूर्ण रूप से महादारू लकड़ी से बनी हुई दिखती है। यहाँ विश्वनाथ लिंग भी का भी एक मंदिर है जो काशी के समान ही पवित्र माना जाता है। और यहाँ पे विष्णु के बाल लीलाओं के मंदिर भी आपको देखने मिलेंगे। इस मंदिर में आपको चार द्वार देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात यहाँ की जो रसोई है, जहाँ महाप्रसाद बनता है, वो एक अनूठी प्रथा है। लोग वहाँ पर लगभग इस रसोई में 500 लोग के आसपास और 300 उसके सहकर्मी के आसपास लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर 56 तरह के भोग बनाए जाते हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ पर प्रथा क्या है, जो ये खाना प्रसाद बनाया जाता है वो 7 तरह के बर्तनों में बनाया जाता है, और ये लकड़ी के चूल्हों का ही यूज़ करते हैं। और ये मटके जो होते हैं जिसमें खाना बनाया जाता है, भोज बनाया जाता है, वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसमें खाना सबसे पहले पकता है, और सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे आखिरी में। ये चमत्कार है जगन्नाथ का। जय जय जगन्नाथ। दूसरा चमत्कार ये है कि जो मेन मंदिर है उसके ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा है उसे आप पूरे शहर में से कहीं पर भी देख सकते हैं, और वो आपको अपनी तरफ ही लगा हुआ दिखा ही प्रतीत होता है, तो ये भी एक चमत्कार है। दूसरा, जो इसका मेन मंदिर है 65 मीटर है, उसकी दिन में परछाई नहीं दिखती, जिसका पता आज तक नहीं लगा पाया कि ऐसा चमत्कार कैसे होता है। और जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ी की ही बनाई गई हैं, और ये सब बात चमत्कार से, ये मंदिर पूरा चमत्कारों से भरा हुआ, इसीलिए इसको कलयुग का धाम भी कहा जाता है। अब मैं इसकी कथा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ, जब मैं इतना बता ही रहा हूँ। इसके बनने की कथा थी इस मंदिर की, भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में यहाँ पर अवतार लिया था, ठीक है। और मालवा के नरेश इंद्रधुन, जो कि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, वो उनकी बहुत पूजा अर्चना करते थे, तो उनके सपने में क्या आया कि उन्हें समुद्र के पास से एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। जैसे ही वो सुबह जगे उनका ये सपना साक्षात हो गया, और भगवान राजा को लगा इस लट्ठे से मूर्ति कैसे बनाया। तो भगवान की कृपा से विश्वनाथ भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप लिया और इस लट्ठे से मूर्ति बनाई। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मैं एक महीने तक उस कमरे में जहाँ मैं मूर्ति बनाऊंगा वहाँ कोई नहीं आएगा, ना ही मुझे कोई परेशान करेगा, और ऐसे ही चलता रहा। तो पूरा महीना बीत गया, लेकिन महीने के आखिरी दिन जब राजा से रहा नहीं गया तो वह उस कमरे में ताकझाँक करने लग गया, जिस कारण मूर्ति पूरी नहीं बन पाई। बलराम और सुभद्रा की मूर्ति पूर्ण रूप से बन गई थी, लेकिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति पूर्ण रूप से नहीं बनी थी। इसी कारण जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान के हाथ नहीं दिखते हैं, यानी कि वह अधूरी मूर्ति दिखती है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब आप आएँ तो पंडितों से थोड़ा सा सचेत रहें, बस आप आपका जो महाभोग प्रसाद है वो आप ले सकते हैं, 250, 500, 1000 कितने का भी वो लीजिए और उसको चढ़वाइएगा। अदरवाइज़ आप अन्य किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण के वश में ना आए,
क्योंकि यहाँ यह देखने को मिला है कि ब्राह्मण वर्ग थोड़ा सा का व्यवहार दयालु भक्तों के प्रति थोड़ा सा अलग दिखता है। तो आप सचेत रहें, अपनी आस्था को ज़्यादा प्रतीक माने ना कि इन सब चीज़ों को, और अपनी पूजा को पूर्ण रूप से सजग करें और अपना भाग्य दें और भगवान के प्रति भक्ति भावना दिखाएं। अब हम आगे का सफर, जब हमने दर्शन पूरे कर लिए हैं, अब हमने प्लान किया है कि हम जगह पुरी के बीच पर जाएंगे, जो यहाँ से अप्रोक्सी 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। चलिए हम चलते हैं, पुरी के बीच पर जा रहे हैं हम लोग। ये साइकिल बाइक स्टैंड है, यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। गाइस, आप स्टैंड में बाइक रखे, यहाँ से आपको 20 रुपये या 10 रुपये चार्ज लगता है और बीच पे चलते हैं। देखिए, बीच बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा है, लोग भी काफ़ी रहते हैं यहाँ पर। आप हॉर्स राइडिंग ले सकते हैं, कैमल की राइडिंग ले सकते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़े से झूले वगैरह भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका स्ट्रेस यहाँ पर आके गुम हो जाता है। 5 बजे के बाद तो यहाँ बहुत ऑसम वेदर होता है, आप सनसेट देख सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है, बहुत रिलैक्सिंग होती है। यहाँ बैठिए आराम से और रेत पे बैठिए और नहा भी सकते हैं। एक मुझे डॉग का वीडियो मिल रहा था, जो उसका मालिक था उसके साथ खेल रहा था और दिस डॉग इज़ सो इन्जॉय कर रहा था, तो बहुत मज़ा कर रहा था। तो जीप बीच पर बैठ कर आप रिलैक्स हो सकते हैं पूजा पाठ के बाद, शाम को अपने साथी के साथ या मित्रों के साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं। बहुत इन्जॉयबल जर्नी होता है, तो बीच इन्जॉय कीजिए। और अब मैं अपनी जर्नी फिनिश करता हूँ, मेरी फ़्लाइट का भी टाइम हो गया है। और तो मैंने फिर भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ा, वहाँ से जॉली ग्रांट हम लोगों को जाना है देहरादून। तो आई होप कि आपको ये फुल वीडियो अच्छा लगा होगा। और जय जगन्नाथ, और 4 धाम में से एक है, एक बार आप जरूर आइए और अपना भाग्य उदय भगवान के प्रति पूजा अर्चना कीजिए। और स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। हु लव लॉर्ड। जय श्री कृष्णाय नमः।